बहुत ज्यादा होता है 103 बुखार। इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया। हर घर में बीमारी आज के दिन। फीवर खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसे लग रहा है जैसे तप रहा है तवे पे ना, इसको ब्लड आने लग गया यहाँ पे ना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और रात को जैद की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी, मतलब सांस लेने में उसको थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो अभी पायल है हॉस्पिटल में। अभी हॉस्पिटल निकल रहा हूँ, गोलू को छोड़ा घर, थोड़ा सा आराम कर ले क्योंकि इसकी भी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है, क्योंकि वहाँ आराम तो होता नहीं है क्योंकि बार बार डॉक्टर आते हैं वहाँ पे। हर एक घंटे में उसको ना मैं वो दे रही थी, नेबुलाइजेशन दे रही थी। पहले 12 बजे दी, फिर 2 बजे, 4 बजे, फिर 6 बजे इसका टेम्परेचर चेक किया था, तब इसको 101 बुखार था। फिर उसके बाद इसको PCM, ड्रिप्स, ये सब कंटिन्यू चढ़ा है। तो फिर 9 बजे में आ गई घर। हमेशा ही क्या होता है ना जैद के साथ, अचानक ही चीजें होती है। जैसे पहले भी अचानक से हुआ था बीमार, अब भी अचानक से हुआ। आपने देखा होगा एक दिन पहले ये बहुत अच्छे से खेल कूद रहा था। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, अभी इसको ये गर्मी आएंगी ना तब भी बचा के रखना है, इसको डायरेक्ट AC में नहीं डालना। मतलब ये ना बोला हुआ है कि इसको नहलाओ मत आप, तो इसको हफ्ते में एक बार नहलाओ। तो चीकू के पापा ना हॉस्पिटल जा चुके थे और मैं नहा धो के सो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत हो रही थी बहुत ज्यादा खराब। 2 दिन 2 रातें हॉस्पिटल में थी ना, तो हेडेक हो रहा था बहुत ज्यादा तेज का, तो मैंने फटाफट शावर लिया। शावर लेते ना मेरे बाल भी गीले थे, मैं गीले बालों में सो गई। मैं सोई थी 12 बजे, अभी 1:30 बज रहा है, 1.5 घंटा सोई। मैंने चीकू पापा को उठते कॉल किया, पूछा सेहत की तबीयत कैसी है, तो उन्होंने बताया उसको 103 बुखार हुआ है। बहुत ज्यादा होता है 103 बुखार। जब रात को था और सुबह था ना तब उसको 101 बुखार था, उसमें इतना ज्यादा तप रहा था लड़का। अभी 103 हुआ है, मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है ना, मैं बस फटाफट अपने लिए कपड़े निकाल दिया, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। चीकू के पापा पायल दोनों बोल रहे थे थोड़ी देर और सो जाओ, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो बाद में आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं 1.5 घंटा सो गई ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस मैं अभी हॉस्पिटल जाऊंगी, हॉस्पिटल जाके उसको देखूंगी, क्योंकि ना देखो बच्चा घर पे हो ना तो माँ बाप को टेंशन नहीं रहती, बिल्कुल टेंशन नहीं रहती, इतना पता बच्चा घर पे सही सलामत। जब बच्चा हॉस्पिटल हो ना, उसको कैनुला लग रहा हो, ड्रिप्स चढ़ रही हो, तो इतनी ज्यादा टेंशन होती है ना, मतलब समझ नहीं आ रहा यार इसका बुखार को क्या हो गया। 103 बुखार। डॉक्टर जितेंद्र से भी पूछा, उन्होंने बोला कि इसको ना वायरल इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से ना फीवर ऊपर नीचे हो रहा है। तो बस मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए, बस फटाफट हॉस्पिटल पहुंचू। 1.5 घंटा लग गया था मुझे आज हॉस्पिटल से आने में सुबह। तो भैया अब तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा ना इस साइड? बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक वालों ने पूरा ट्रैफिक कंट्रोल में ले लिया। चलो ठीक है। तो अभी अभी मम्मी का फोन भी आया, मम्मी भी रस्ते में, मम्मी आ रही है। मम्मी 2 दिन से मुझे बोल रहे हैं कि गोलू मैं आ जाती हूँ, गोलू मैं आ जाती हूँ। मुझे लगा जैद आज ठीक हो जाएगा, डिस्चार्ज मिल जाएगा, बट उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो मैंने उस टाइम मना कर दिया था, क्योंकि मेरे को मेन था कि निमोनिया तो नहीं है, फिर निमोनिया का टेस्ट हुआ, निमोनिया नहीं है। उस टाइम उसको फीवर नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज सुबह तो डिस्चार्ज हो ही जाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। पहले काम कर, मैं यहाँ पे हूँ, तो घर पे बच्चों का ध्यान रख जा। हाँ मैं जाती हूँ, मैं कपड़े भी लेके जाती हूँ, धोने वाले कपड़े भी हो रहे हैं। तो गाइस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है ना, ये लगा लो कि पिछले 24 घंटे में से 12 घंटे रो रहा है। हाँ, ज्यादा ही लगा लो। मैं भी ये देख रहा हूँ इसको, ज्यादा ही लगा लो, बहुत रो रहा है, बहुत रखता मुझे ना। हाँ मैं इसको सो जा थोड़ी बेटी। हाँ क्या हो गया, चिड़ चुका है ना, चिड़ गया बेचारा ना, एक कमरे से बोर हो गया ये, एक ही कमरे में, एक ही बेटा। अभी अभी नानी आ रही है तेरी, नानी नानी रास्ते में। चलो चलो, नहीं ठीक है, नहीं चलाऊंगा। क्या हुआ, परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है बेचारा। हाँ मैं बेटी, क्या पहना दूँ उसको? नहीं बहुत सारे, देखो ना तप रहा है सर। तो गोलू को मैं ये बता रहा था, टेंशन मत ले, गोलू तो देख टेंशन लेती है माँ, हर माँ टेंशन लेती है, बाप भी लेता पर बाप दिखा नहीं पाता। तो मैं इसको बोल रहा था कि मैं नीचे था एक घंटा डॉक्टर साहब के पास, हर चौथा बच्चा कफ टॉयलेट ये वो, जैसे इसमें ना कोई बीमारी है सबको, चेस्ट रुकना, कंजेशन होना, ये सब। हाँ ये मेरे को लगता है सर्दी के ना बच्चों को ना बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, वही ना सब बोलते हैं पहली सर्दी है बच्चों को बचा के रखो, पहली सर्दी है बचा के रखा था इतना। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत सारे कमेंट हैं हमारे बच्चों के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो दुआएं दे रहे हैं जैद को कि जल्दी ठीक हो जाएगा, जैद चिंता मत करो। तो बस इतना प्यार ऐसा ही बनाए रखो और आशीर्वाद दो कि लड़का जल्दी ठीक हो जाए। बहुत सारे मैंने भी कल बहुत सारे कमेंट पढ़े, बस फटाफट ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बस यही है कि अभी हॉस्पिटल ना है, बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया, 1 ईयर की भी नहीं हुआ, कितनी बार आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, बस बस। तो ना डॉक्टर ने कैनुला चेंज किया, मतलब कैनुला चेंज करना अपने आप में इतना बड़ा टास्क होता है माँ के लिए, हालत खराब हो जाती है माँ की भी बच्चे की भी। तो अभी जैद को अगर देखा जाए तो 103 बुखार बताया गया है और उसके साथ कैनुला चेंज हुआ है और 2 इंजेक्शन भी लगे। चुप हो जा गोलू, रो मत, रोने से ठीक हो जाएगा। फिर उतार चढ़ाव जिंदगी में सबके साथ आते हैं, ये नहीं कि हमारे साथ ही आते हैं, ठीक है, हमारा दिख जाता है वीडियोस के थ्रू, हर घर में बीमारी आज के दिन, सुन रही है? वो देख बोल्ड बच्चा मेरा, शेर बच्चा है ना, मम्मा को बोलो शेर बच्चा हूँ मैं। इसकी नानी भी तो आ रही है, मैं हूँ ना यहाँ पे, टेंशन क्यों ले रही है, सब है, पायल है, देख पूजा आई हुई है, इसके लिए दर्द हो रहा था इसको। होगा बेटा, कैनुला में हमारे जैसे आदमी को दर्द हो जाता है, ये तो फिर भी एक छोटा सा बच्चा है।
ओए बोल बॉय, शेर है मेरा, शेर शेर है ना मेरा, वो देख वो देख, देख रहा है, देखियो मेरा शेर है ना तू। हाँ मेरा शेर है, रो मत। एक काम कर गोलू, थोड़ी सी ना नीचे होके इसे सुला ले बेटा, अपने पास सुला ले, सोएगा ना एक दो घंटे सोएगा, ठीक हो जाएगा। देख ड्रिप चढ़वा देता हूँ मैं, जब लेटेगा तो साथ साथ ड्रिप चढ़वा। हाँ यहाँ से अभी, क्योंकि मैं इसको इसी हाथ पे रखूंगी ना अभी। हाँ लगाए तो यहाँ से लगवा लूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इसको उधर कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो अभी ना गोलू दोबारा फीवर चेक कर रही है, क्योंकि ना एक घंटे पहले 103 बुखार था इसको, अभी देखते कितना है। अभी मुझे लग रहा है कम हो गया होगा। हाँ थोड़ा सा कम हो गया होगा, 97। नॉर्मल बुखार कितना होता है मैडम? 98.6 नॉर्मल होता है, हर आदमी को होता है 98.6। इसका 98 तो हो गया, बढ़ रहा है। इसको बुखार उतर रहा चढ़ रहा है गोलू, है ना? उतर रहा चढ़ रहा, 98.9 तो है, 99 हो गया। तो अभी 99 दिखा रहा है, और मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ना, क्या ना गोलू अभी गर्माइश में रह रहा है ना, उसकी वजह से भी, मतलब अभी है नहीं बुखार, है ना? हो सकता है। वैसे तो माथा तो ठीक है, पर पेट गर्म हो रहा है। तो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, ज़ाद सो रहा है, ड्रिप चढ़ गई है इसको, और अभी शाम के 5 बज गए, आता हूँ शाम को 7-8 बजे आता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो बड़ी मुश्किलों से ज़ाद सोया, उस टाइम पे सो गया था, फिर दोबारा उठ गया, तो मैंने उसको ना बहुत सारे ना चक्कर लगाए बाहर के, तो अभी डॉक्टर ने एक दवाई लिख के दी है, तो मैं भी नीचे जा रही हूँ मेडिकल ज़ाद के लिए दवाई लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ज़ाद के लिए दवाई ले ली है, सेनोविन ले ली है। वैसे सेनोविन ड्रॉप्स दूसरी थी, बट डॉक्टर ने बोला कि वो वाली चेंज कर दी, उसका दूसरा सॉल्ट है, तो ये वाली लो, तो मैंने ये दवाई ले ली है। और साथ ही साथ ना यहाँ पे ज़ाद के लिए प्रैम्प मंगवा लिया मैंने। तो बड़ी मुश्किलों से ना ज़ाद सो गया, तो लक्ष्य पे इसको लेकर लेटी हुई है, क्योंकि मेरे को 2-4 काम थे। मैंने शांति को बोला कि मम्मी ने मुझे ना फोन करके एक बात बताई कि घी में थोड़े से बादाम साड़ने हैं, अजवाइन डालनी है और लहसुन डालना है। इसका जो तेल है ना, मतलब कि जो उसका तेल है, वो बना के ना ज़ाद की छाती पे और पैरों के तलवों पे लगाना, क्योंकि कल मैंने नारियल का तेल यूज़ किया था, तो बहुत सारे कमेंट डाले थे कि नारियल का तेल ठंड में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी कोल्ड है, तो अब मैं वो तेल यूज़ नहीं करूँगी। और साथ ही साथ ना मैंने शांति को ये भी बोला कि एक काम करो शांति, थोड़ा जो तेल है ना एक्स्ट्रा बना के रखियो, अयान और तूबा की भी मालिश उससे कराओ, ये जो नारियल का तेल है ये यूज़ मत करो, क्योंकि देखो ना चीज़ों की नॉलेज नहीं है, पर आप लोग हैं, आप लोग काफ़ी बड़े हो, आप एक्सपीरियंस हो, तो आप ब्लॉग मैं देखती हूँ कि कोई चीज़ हम गलत कर रहे हैं तो आप हमें बता देते हो। तो ज़ाद का जो प्रैम्प है वो आ चुका है, बस अब वो उठेगा ना, मैं इसको अच्छे से ना कैप पहना के थोड़ा बाहर घुमा लूँगी, क्योंकि देखो आज मेरी तीसरी रात है, 3 रात हो गई है, और 3 रात से बच्चा छोटे से कमरे में बंद है, तो घर पर होता है ना तो इधर उधर घूमता रहता है, पर यहाँ पे कोई है नहीं। और साथ वाले कमरे से ना आपको रोने की आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे एक छोटा सा बेबी है, वो भी 1 साल की है, लड़की है, उसको फीवर कोल्ड है और साथ ही साथ लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उसको भी ड्रिप लगी हुई थी, तो अपनी दादी और मम्मा के साथ है, तो अभी बाहर घुमा रहे थे बच्चे को, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो भी बहुत रो रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस ब्लिंकिट का इतना ज़्यादा फायदा होता है ना, मतलब इतनी जल्दी, क्योंकि हमारी ना ये जो हॉस्पिटल है इसके सामने ही बिल्कुल ब्लिंकिट है, तो विद इन 4 मिनट के अंदर मैंने ये बॉटल मंगवाई थी, मिल्टन की आ गई। ये बॉटल मैंने इसलिए मंगवाई है क्योंकि ना क्या ज़ाद का दूध मंगवा रही हूँ मैं घर से, फिर ना दिक्कत होती है बार बार ना, मतलब दूध को किस में ट्रांसफर करना है, तो मैं सोचा कि एक्स्ट्रा बॉटल होनी चाहिए, यहाँ पे भी एक बॉटल होनी चाहिए, घर पे भी होनी चाहिए, तो मैं सोच रही थी 2 बॉटल मंगाऊं, फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, पहले 1 बॉटल मंगवा कर देखती हूँ, अगर सही लगेगी तो दूसरी मंगवा लूंगी। तो अभी क्या है, भैया भी आ रहे हैं और चीकू भी आ रहा है, क्योंकि गिप्पी भैया गए हुए थे चीकू को ना ट्यूशन से लेने के लिए, तो चीकू कहता मम्मा मैं ज़ाद से मिलने आ रहा हूँ, मैंने कहा बेटा वो सो रहा है, कह रहा कोई बात नहीं, मैंने कहा जब उठेगा तब आप आ जाना ताकि उससे मिल लो, कह रहा नहीं मेरे को आना है, मैंने कहा आ जा फिर। हाँ बेटा कैसा रहा ट्यूशन? अच्छा रहा, मैं भाई से मिलने आया था ट्यूशन के, भाई बेटा थोड़ी देर मिटेगा, ये क्या स्टाइल है भाई, जैकेट पहनो ठंड हो रही है, सुपरमैन जैकेट पहनो, चलो सुपरमैन, देख रहे हो उसका स्टाइल, देख रहे हो बच्चों का, नो 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 नो, आपको पता है देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे साइलेंस लिखा है, साइलेंस क्या, साइलेंस लिखा है, साइलेंस साइलेंस लिखा है, साइलेंस, चलो चलो जैकेट पहनो, गंदे बच्चे मत बनो, जैकेट पहनो। तो यहाँ पे ना स्टेलाइजर भी आ गया है, और क्या बोलते, तो मैंने सारी बॉटलें ना स्टेलाइज करने के लिए रख देती हूँ, तो यहाँ पे सारी बॉटलें कर दी है रेडी, मिल गया भाई से, जैकेट अब उतरनी नहीं चाहिए, ठीक है चलो बाय बाय, मम्मा के साथ आ जाना दोबारा, ठीक है बाय। गुड मॉर्निंग क्यूटी पाय, आप गुद गए, हाफ एन आवर शो हुए थे आपके लिए, देखो सरप्राइज है, ये किसका पैंपू है, ये किसका पैंप है, ये हम घूमेंगे अभी, अभी हमारी ड्रिप चल रही है यहाँ पे, ग्लूकोज चल रहा है, तो यहाँ पे इसकी ना ड्रिप चल रही है, जब तक ये सोता है ना तब तक तो ठीक रहता है, पर जब ये उठ जाता है ना तो बड़ा मुश्किल होता है ड्रिप चलवाना। आयुष का है आपकी, आपकी आयुषु का है, अच्छा लग रहा है आपको, चलो धूम के दिखा दो, आजू 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 आजू। तो अभी अभी ज़ाद
का फिर से फीवर चेक करा, 101 बुखार है इस लड़के का, बुखार पता नहीं उतर क्यों नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। अभी डॉक्टर को बोला कि इसका टाइफाइड का भी एक बार टेस्ट कर लो, क्योंकि टाइफाइड मुझे भी हुआ था 2020-21 की बात है, मुझे टाइफाइड हुआ तब मेरे साथ भी ये होता, बुखार उतरता चढ़ता, इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी मैं, इतनी वीकनेस आ गई थी। 2 बजे आई थी और अभी 7 बज रहे हैं, 2 बजे आई थी तब फीवर चेक किया था, तब इसका फीवर 99 था, तब फीवर नहीं था, अभी 7 बज रहे हैं फिर इसको बुखार हो गया। इसका बुखार हर उन डॉक्टर से पूछा, कह रहे हैं कि पीसीएम जो हम है हम 8 आवर्स में रिपीट कर रहे हैं, इसका फीवर 8 आवर्स से पहले आ रहा है, फीवर खत्म ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसको दोबारा ड्रिप चल रही है, ये पीसीएम है, सामने वाला पीसीएम चल रहा है, बहुत गर्म हो रहा है गाइस, बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है जैसे हाँ पसीना आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे तप रहा है तवे पे ना, बिल्कुल गर्म हो रहा है। डॉक्टर ने बोला इसके सॉक्स निकाल दो, इसके सॉक्स निकाल दी, पैर भी इतने गर्म हो रहे हैं, और ये ना भी कैप पिना नहीं रखी इसको, बस बच बच मम्मी बेटी बस क्या कर लियो अभी, टुकू निकालो टुकू, कोई बात नहीं सबको बोल दो आपके लिए प्ले कर रहे बहुत सारी है बेटी, पे कर दे मेरी बेटी के लिए, ठीक हो जाए फटाफट। जैद रोने लग गया था, इसके रोने के चक्कर में मैंने इसको बोला बस 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 हो गया हो गया, इसको ब्लड आने लग गया यहाँ पे ना, हो गया मेरे बेटा। आप फिर आप लेट नहीं रहे हो, आप रो रहे हो, मम्मा क्या करें बताओ, आप लेट की ड्रिप नहीं लगवा रहे हो, क्या करूं बताओ, रोता भी तो इतना ज्यादा है ना मैं, क्या करूं, 3 दिन हो गए इसको बर्दाश्त नहीं होता फिर रोते हुए। अब इसको थोड़ी देर में लगवा दूं, 10 मिनट में चलेगा, चलो। इतना सारा ब्लड आ गया आपका, इतना ब्लड है भी आज, इसकी फिर से सैंपलिंग हुई है ब्लड टेस्ट की, और साथ में इसकी जब कैनला लगा था ना, इसके सेकेंड टाइम ब्लड टेस्ट हुए, तो कल इसका एक और टेस्ट एड हो जाएगा थायराइड का, सॉरी टाइफाइड का, टाइफाइड का। कितने बजे निकली तब घर से? मैं 2 बजे, 2 बजे 7:30 बज गई, 5 घंटे का तो रास्ता है। चाय मंगवा दो नीचे से? नहीं नहीं पी के घर चले जाते पहले। नहीं कोई बात नहीं, मेरा दिल था मैं कल जैद को देखूं पहले जाके, मैं घर बैठूंगी फिर कुछ छोड़ेगा मुझे, मैं सीधा रास्ता पता ही है मुझे। चलो पायल भी आ रही है। कोई बात नहीं मिल लूंगी, बच्चे ठीक है दोनों? हाँ बाकी बच्चे ठीक है सारे, जीकू सब ठीक है। तो मैं यहाँ पहुंची हूँ और मेरे पीछे पीछे आ गई है शांति भी, कह रही मैं जैद से मिलके जाऊंगी, तो जैद को मिलने आई है अभी अभी, और यहाँ पे मैं अभी मम्मी से मिली हूँ आते ही, मैंने कहा आप यहाँ भी पहुंच गए, कह रही मैं सीधे पहले आई मम्मी, फिर आई पायल, फिर आई शांति, मिले सो रहने तो मैं खिलाती अभी आवाज लगाती तो सो रहना शांति, बुखार अभी अभी पायल फिर से आया, से 101 बुखार, मैं जब थी था 103 था, अब फिर से आया ना, मतलब सही नहीं हो रहा इसका बुखार, कोई नहीं हो जाएगा टेंशन ना ले। तो ये लड़का बिल्कुल नहीं रुक रहा है रूम में, तो इसको हम ना थोड़ा टूर देने जा रहे हैं हॉस्पिटल की, आप कहाँ आप कहाँ पैदा हुए थे, किस रूम में रुके थे, आपके भाई बहन कहाँ पैदा हुए थे, शो दिस इज यू, दिस इज यू एंड आई शो योर सिस्टर, कम शो दिस इज योर सिस्टर तुबा मलिक, ये तो अयान के साथ नाइंसाफी है, अयान की फोटो नहीं है, अयान नहीं है, ये भी जैद है हमारा, अयान नहीं है, उन्होंने हमें अयान की फोटो नहीं दी, मुझे ऐसा लगता है गोलू, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अयान की समझ के जैद की निकाल दी दोबारा, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि अयान की समझ के जैद की निकाल दी, क्योंकि यहाँ पे भी लगी है यहाँ पे भी लगी, तो काम कर दूंगी मैं ना यहाँ पे ना, अयान और जैद लगते सेम लग रहे थे बचपन में, पिछले 10 मिनट से इसको ऊपर घुमा रहे, इतना खुश है, वो वाले रूम है ना वो रूम भी बिजी है सारे, मतलब जितने भी फ्लोर है ना देखो, यहाँ पे नाम नहीं दिखा सकती, पर यहाँ पे जितने भी रूम्स है ना सब पे नाम लिखे हुए हैं, सारे बिजी है, यहाँ पे बेबी गर्ल हुई, अभी हम छोटे से बेबी से मिल के आए, तो अभी जा रहे हैं नीचे, अगर आप नीचे गए तो मैं आपकी पीटी कर दूंगी, आप नीचे गए नीचे नीचे रोए नीचे कर दूंगी आपकी, रोना नहीं है बेटा, बहुत ही मुश्किलों से गाइस हुए हैं, इसलिए हम इतना धीरे बोल रहे हैं, अपने सारे फोन पे साइलेंट कर लिए हमने। तो गाइस अभी अभी मैं पहुंचा हूं हॉस्पिटल, और जैद अभी सो रहा है, मम्मी पहुंची गई है घर पे, और ना पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग इतना ज्यादा खराब है चीजों को लेके, मतलब पिछले 1 महीने से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एक बहुत बड़े सरप्राइज की, जब भी मैं उसके पास पहुंचता हूँ ना चीजें कैंसिल हो जाती है, समझ में नहीं आ रहा मम्मी क्यों हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है बुरे के लिए, बताओ ना थोड़ा, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब कि दो बार आपने सोचा दोनों बार काम नहीं बना तो अच्छे के लिए होता है, हां ऐसा होता है, फिर बाद में कोई चीज हमें और अच्छी मिलेगी तो हम ये चीज सोचेंगे, इससे अच्छा कुछ रखा पड़ती है, अब की बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा, ये काम चल रहा काम चल रहा, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा जब तक घर नहीं आ जाती ना वो चीज, उसके बाद ही दिखाऊंगा, फिर लोग भी सोचते होंगे कि आप बीच में बोलते हो फिर बताते नहीं, क्योंकि हम लोग तो हर चीज पे ट्राई करते हैं कि वो चीज हमारे पास आ जाए, बट ना हमारे हाथों में हर चीज नहीं होती, सब कुछ प्रोसीजर के हिसाब से होता है। तो आज लड़का इतना ज्यादा बीमार है, अभी 2 घंटे सो रहा था, अब उठते फिर रोने लग गया, मतलब ये चुप नहीं हो रहा पहले ना जी, नहीं चुप हो रहा बिल्कुल भी नहीं है, जब आपका फोन आया हम ऊपर घुमाने ले गए थे, मैंने कहा चल चुप हो जाएगा, फिर थोड़ी देर ऊपर चुप किया फिर नीचे आया, फिर तो क्या लग रहा है पहले से ठीक हो रहा है क्या? अभी इसके टेस्ट लिए सारे, अब वो कह रहे हैं कल टेस्ट में देखेंगे, अगर इससे सही
यही रिपोर्ट है तो ठीक है, नहीं तो कोर्स दोबारा चेंज करेंगे दवाई होगा। मम्मी बुखार तो नहीं इसको? नहीं अब नहीं है, अभी नहीं है, जब मैं आई थी ना उस टाइम भी बुखार था इसको। चीकू कल सुबह स्कूल जाना बेटा। चल मैं सुनाऊंगी, चल पापा बुला रहे। हाँ जी मेरी लाडी, कैप पहना देना इसको। नहीं घूमने चले पता है ऊपर सेकंड फ्लोर पे, इतना खुश पाल से पूछो, इतना खुश सब लोगों को देख के। अभी मैं इसको सेकंड फ्लोर पे लेके जाऊंगी ना वहाँ पे, क्या जैसे ये फ्लोर थोड़ा सा बोरिंग है ना, ऊपर वाला अच्छा है, वहाँ पे फोटो वोटो भी लगी हुई है ना, सबको देख खुला भी है, खुला भी है ना थोड़ा। हाँ देख मुझे चेहरे से तो ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है नहीं तो ना भगवान ना करे अगर कुछ होता ना तो थोड़ा सा डेड होता, बात नहीं करता ऐसे ऊं, तो ये एक्टिव तो है, बस कोल्ड है इसको, कोल्ड वोल्ड खांसी में रोज टाइम लगता जाने में, खांसी कम से कम 3-4 दिन लेती है, क्या बोलती है। और हमने लापरवाही थोड़ी करे, 1 मिनट में तो ले आए थे मम्मी हॉस्पिटल। हाँ और क्या है ना, जिस दिन हुआ था इसकी तबीयत रात को खराब हुई है, सुबह जैसी इसकी छाती में कफ बच्चे की बैठती है एकदम तबीयत खराब हो जाती है, सडन सडन होता है। क्या हो गया पाल, नींद आ रही है? सुबह उठते हो ना? सुबह उठी है ना 7 बजे। चलो आज फिर कैरावन कैंसिल हो गई। तो गाइस बहुत ही जल्द हम, वैसे मैं और पाल काफी टाइम से चीज के बारे में सोच रहे थे, फिर सोचा है कि ना जैद ठीक हो जाए उसके बाद मैं और पाल अपना खुद का एक ब्रांड लेके आने वाले हैं, क्लोथिंग ब्रांड। तो आप लोग ना जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमें ना कोई नाम सजेस्ट करना अच्छा सा, यूनिक सा, स्टाइलिश सा, और जिसका नाम हमें पसंद आएगा ना उसी के नाम से वो ब्रांड रखेंगे अपना। अच्छा जैद पापा है, पापा इसको पागल नहीं बना सकते, इसको पता है तुम मुझे दवाई दे रहे हो। गोलू थोड़े नाक के पास तो लेके जा, चीकू मुंह में नहीं देना, मतलब दूर दूर रखना है। देखो उसके हाथ रख लेता है। चीकू ऐसे मत कर, ये गुस्सा मार देगा, ये गुस्से वाला लड़का है बहुत, ऐसे मत कर। वो देख कैसे देख रहा है, देख देख कैसे रहा है भाई, ये बाबा मैं थोड़ा भाई ऐसे ही देखो, करो ये दोनों देखना साइड एंगल सेम सेम लग रहा है ना, बिल्कुल देखना साइड। बचपन की ना गाइस अगर बात मानोगे ना तो चीकू बचपन में पूरा जैद की तरह था, एक दो फोटो मैंने दिखाई भी शायद पहले ना, और आयान बिल्कुल आपकी जैसा था। हाँ। और तू होगी पायल जैसी। क्या हुआ गुस्सा कर रहा है मेरा बच्चा, जैद गुस्सा कर रहा है। बेटी मम्मी कह रही है मुझे कॉफी पिला के लाओ, पिला लो मम्मी को कॉफी, बोलो पिला लाओ। जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना ये मुझे देख के ना पापा पापा करता है और पूरा रिस्पॉन्स करता है मेरा बेटा, है ना बोलो। पहचान है ना आपकी, आपकी बहुत अच्छे से पहचान है। तो चीकू गाइस इतना ज्यादा स्टाइलिश हो गया है, सोने की चैन पहन के घूम रहा है बच्ची को। इसको बनाऊंगा भाई को बना रहा है। अरे क्या बात है, रुलाएगा क्या पगले, भाई घुमाना दे। मम्मी नाक की तरफ करो ना, आप तो कान में दे रहे हो। अरे बोझते मुंह घुमा लिया, देखो ये हाँ बेटी और बंदरू। ओहो चीकू जब ये ब्लॉग देखेगा ना बड़ा होके ये खुशी से रो पड़ेगा कि मेरे भाई ने मुझे सोने की चैन दी। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए और गोलू को पीनी है चाय। तो एक काम कर गोलू तू घर पे ले चल, पायल तू यहाँ रुक जा। बोल मैं रुक जाती हूँ। बता ठीक है। मैंने तो बोल मैंने पायल को बोला तू चली जा, सुबह की उठी हुई है, मैं तो सो गई थी। मैं सो गई, देख लो जैसा दिल करे। अरे मेरे साथ टेंशन नहीं है, मैं रात को सो जाती हूँ। कल भी मैं निक्की को बोला था कि जैद को ले ले, तो निक्की ने जैद को संभाल लिया था रात रात को, क्योंकि जब भी फिर डॉक्टर आते ना मैं 1-2 घंटे बीच में नींद पूरी कर लेती हूँ घर पे भी आके। कोई नहीं ऐसा लगेगा तो मैं पायल को फोन कर दूंगी। मैंने सुबह भी किया था, सुबह पायल आई थी 8 बजे, 8 बजे से लेके 2-3 बजे तक आई थी। मम्मी खाना खा लिया? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं खाया। तो काम करता हूँ मैं, चाय और खाना वाना भिजवाता हूँ तेरे लिए। अच्छा अच्छा। पायल ठंड कितनी बढ़ गई ना, मैं सो के उठी ना गुडू इसलिए मुझे ठंड लग रही ज्यादा। सो के उठने के बाद ज्यादा ठंड लगती है, मांसपेशियां ना निंद्रा में होती है, निंद्रा में। चीकू ज्यादा मत मचल, इधर हो जा, गाड़ी उधर उधर उस साइड। ओ चलो चलो। तो गाइस गाड़ी में बैठते पैसेंजर चेंज हो गए हैं, चीकू और पायल को भेज दिया मैंने ऊपर और सूरज और निक्की को बिठा लिया और खाना वाना आ गया है, बस एक कंबल रह गया, कंबल लेके आ रहे हैं, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं सामान देने के लिए। फटाफट आ जा फटाफट। तो गोलू ने ना मुझे ऊपर से आवाज मारी है कि फटाफट आओ फटाफट आओ, पता नहीं क्या दिखा रही है मुझे, क्या दिखा रही है ये, एक सेकंड ये दिखा रही हूँ मम्मी करना, मम्मी वहां से लेके हाथों घुमा रही है और मैं से बातें करूँ तू जाके शांत हुआ ये है भाई हीरो, मानता ही नहीं है। इतनी फैसिलिटी चाहिए तुझे, पहले इसको ना तो कुछ उड़ा दे यहाँ पे ना, हवा हवा ना लग जाए इसको। मैंने तो सर टोपी वोपी सॉक्स वॉक्स अपने मतलब ब्लैंकेट भी उड़ा दूँ। हाँ ब्लैंकेट उड़ा दे गोलू, खाम खाना बीमार ना हो जाए घुमाने के चक्कर में, है मम्मी क्या बोलते हो? हाँ वो तो सही है, मैं रुक नहीं रहा ना अंदर, होता बहुत है। जैद घूमने ये ले कंबल कुंबल ले आए तेरे लिए, फोन फैन का भी मेरा उसने भूखा। अच्छा और क्या? तो मेरे कहने के बावजूद इसको पैक कर दिया लड़के को अच्छे से और खिलाया जा रहा है, खाना वाना आ गया, खाना खा ले ठंडा हो जाएगा ठीक है। और निक्की कह रही है कि मुझे यहीं रहना चाहे, मुझे बाहर सोफे में सुला। हाँ मुझे कह रही है, कह रही दीदी आप घर चले जाओ, मैंने कहा मैं देख लूंगी, मैं आराम से सो जाऊंगी, टेंशन मत लो मेरा दिल। निक्की ये माँ है, ये तुझे लगता है माँ सो पाए, ये बच्चा बीमार हो और माँ सो सकती है घर पे? नहीं है
ये वहाँ जाएगी भी इसी को परेशान करेगी, वापस चलो। ये घंटा सोएगी और रात को कहेगी मुझे लेके चलो। सही बात, चलो पापा पहचान हो गई है इसकी, माँ की पहचान होती है ना। चलो चलो क्या कहा, चलो चलो छोड़ दो सही, चलो पापा ऑन ड्यूटी लगो। बहुत हो गया, बहुत मस्ती हो गई। पापा की कोई मस्ती नहीं है, पापा जितने काम करते हैं ना हॉस्पिटल को हमने घर बना रखा है। चलो भैया हाई स्पीड गाड़ी चलो 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 खुश है, इसको यही सब चाहिए, मस्ती चाहो खेलो। ठीक है गोलू, मैं घर संभाल के आता हूँ। ठीक है, अब घर संभाल के आओ। हाँ ठीक, खाना उना खा ले, ठंडा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, खाना ही खा रही हूँ, बस इसको एक बार निकाल दूँ। हाँ। चलो चलो। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं अभी घर, और घर पहुंचते ही मैं मिलवा देता हूं आपको तूबा से। बेटा इसको कैब वैब पिला दे, देख ले ज्यादा बीमार हो रहा है, ये भी हो जाएगी ऐसे। कैब कहाँ बेटी तेरी, भाई से मिल जाएगी, भाई से मिलना नहीं मिलना, मना कर दिया, कल मिलने का ये। ठीक है तो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, ध्यान रखो, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बहुत सारी दुआओं दो कि जल्दी से ज्यादा ठीक हो जाए। नमस्ते।